नमस्ते सभी दर्शकों को स्वामी न्यूज के इस कार्यक्रम योग व स्वास्थ्य में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं योग मुद्रा से उपाय योग मुद्रा से समाधान योग मुद्रा से उपचार योग मुद्रा से इलाज आज दूसरा भाग है कल 25 दिसंबर को पहला भाग देखा हमने आज 26 दिसंबर को दूसरे भाग का कार्यक्रम यह है ये चलेगा दिसंबर पूरा आज दूसरे कार्यक्रम में हमें ये जानना चाह रहे हैं कि पेट की जितनी समस्याएं हैं उनका योग मुद्राओं से कैसे उपचार किया जाए कैसे उनको थोड़ा उसमें आराम प्राप्त किया जाए कैसे उससे रिलीफ मिले योग मुद्राओं से रिलीफ मिले हमारे पेट को एक बहुत बड़ी बात शास्त्रकार ग्रंथकार कहते हैं नास्ति मुद्रा किंचित सिद्धिदम क्षिति मंडले इन मुद्राओं के समान और कोई लाभकारी चीज इस पृथ्वी पर नहीं है तो कल हमने तीन मुद्राएं जानी थी और अलग अलग उसके लाभ भी देखे थे आज हम जानते हैं तीन मुद्राएं और जिसमें कल की एक मुद्रा को फिर लेते हैं क्योंकि वो पेट के रोगों में भी लाभ उनसे होता है इसीलिए उसको हम ले रहे हैं। उस मुद्रा का नाम है वायु मुद्रा वायु मुद्रा हमने कल देखा था दो दोनों हाथों में जो पांच उंगलियां अंगूठा होता है पांचों अलग अलग, अलग पंचभूतों का अलग अलग महाभूत का प्रतिनिधित्व करती है ये अग्नि तत्व का ये वायु तत्व का ये आकाश तत्व का ये पृथ्वी तत्व का और यह जल के तत्व का प्रतिनिधित्व करती है रिप्रेजेंट करती है इन पांचों फाइव मेजर एलिमेंट्स को अब इनके अलग अलग जोड़ने से जो कुछ मुद्राएं बनती है वे योग मुद्राएं कहलाती है और उन्हीं योग मुद्राओं से हमारा उपचार भी हो सकता है हमारे शरीर में जो समस्याएं हैं वे भी धीरे धीरे ठीक हो सकती हैं क्योंकि ये भी अपना एक मुद्रा विज्ञान है तो इस मुद्रा विज्ञान को जब जानेंगे तो वास्तव में आपको लगेगा ये तो साइंटिफिक चीज है तो हमने कल जो एक मुद्रा देखी थी जोड़ों में दर्द की वात बढ़ने की साइटिका पेन की कमर दर्द की आदि जितने भी दर्द होते हैं उन सब में विशेष लाभकारी मुद्रा यह वायु मुद्रा थी अब इस वायु के बढ़ने से गैस भी बन, बनती है तो जिनको पेट की समस्याएं हैं जिनको गैस बनती है ज्यादा प्रॉब्लम करती गैस तो उन लोगों को इस वायु वाली अंगुली को इस अंगूठे अग्नि वाले अंगूठे तो इसके अंदर आपको यूं लगाना यानी कि इस अंगूठे के मूल में इसके रूट में या इसकी जड़ में ऐसे मूल में यूं लगा करके इस अंगूठे से यूं इस अंगुली को दबा दीजिए बाकी की तीन उंगलियों को सीधा रखिए ऐसे ही दूसरे हाथ से इसको 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक 45-45 मिनट तक इसको लगा करके विशेष लाभ उठाया जा सकता है अब आप केवल ऐसे बैठे हुए मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी से बात कर रहे हैं अथवा टीवी देख रहे हैं तो भी ये मुद्रा लगा सकते हैं चलते फिरते खाते पीते इन मुद्राओं को नहीं लगाना चाहिए लेटे हुए हैं काफी देर तक आप इस मुद्रा को लगाए जब सो जाए तो वैसे ही छूट जाएगी इस मुद्रा को लगा करके आप प्राणायाम को कर सकते हैं तो दुगुना लाभ होगा मुद्राएं बच्चे से लेकर बूढ़े तक स्वस्थ से लेकर बीमार तक सभी लगा सकते हैं स्वस्थ लोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए और तेज बनाने के लिए और अच्छा गतिमान और युवा बनाने के लिए लगाएं और जो बीमार है वे लोग गैस ना बने उसके लिए यह वायु मुद्रा को लगाए एक दूसरी मुद्रा को देखते कुछ मुद्राएं ऐसी होती है जो कमजोर लोगों को नहीं करनी चाहिए कुछ मुद्राएं ऐसी होती है जो खाना खाते समय चलते फिरते समय नहीं की जा सकती और कुछ मुद्राएं हर स्थिति में की जा सकती है तो इस मुद्रा को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट से प्रारंभ करें इसमें कुछ भी नहीं करना आप किसी व्यक्ति को योगासन नहीं करने जी मेरे को या करने की स्थिति नहीं है तो क्या करें वैसे तो योगासन बहुत अच्छी चीज है करने ही चाहिए सभी को लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी की स्थिति नहीं है बीमार व्यक्ति है बुजुर्ग है तो क्या करें तो इस मुद्रा को लगाए इस मुद्रा से गैस बनने की समस्या में अच्छा खासा लाभ होता है एक दूसरा चलते हैं दूसरी मुद्रा जिन लोगों का वजन कम है और जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है दोनों को ही बैलेंस करने वाली एक मुद्रा है ये उंगली पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और अंगूठा अग्नि का तो ये पृथ्वी और अग्नि के इन ऊपर के भागों को इन पोरों को ऐसे मिला देने बाकी उंगलियों को सीधा कर दे होती है पृथ्वी मुद्रा इस पृथ्वी मुद्रा को आप 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक 45, 45 मिनट तक ऐसे लगा करके अपने घुटनों पर यूं रख लें इसके फायदे क्या क्या हैं? जिनके भार की अल्पता यानी कि जो व्यक्ति वजन घटने से परेशान है जिन व्यक्तियों का वजन तेजी से घट रहा है या फिर बढ़ता ही नहीं है पतले दुबले बहुत ज्यादा है वे लोग इस पृथ्वी मुद्रा को जरूर लगाए और जो बहुत मोटे हैं वे भी लगाए दोनों का ही बैलेंस होने लगेगा वेट पतलियों का बढ़ने लगेगा निरंतर अभ्यास करना एक दो दिन में कुछ नहीं होगा लगातार रोज करो इसको बहुत दबाने की आवश्यकता नहीं है केवल इसको स्पर्श करा के हल्का सा दबाए और इसको रखे भस्त्री का प्राणायाम जरूर किया करें। गहरे लंबे श्वास भरना और गहरे ही लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ना जिनके वजन घटा हुआ है जिनके वजन बढ़ाना है और जिनके वजन बढ़ा हुआ है जिनको घटाना है ये दोनों के लिए लाभकारी मुद्रा है इसको कहते हैं पृथ्वी मुद्रा इसका रोज आप ईमानदारी से पूरी निष्ठा पूर्वक महीने भर तक पालन करो डेली आधा घंटा एक घंटा आपको हंड्रेड परसेंट रिजल्ट देखेंगे हंड्रेड परसेंट यह मुद्रा यह पृथ्वी मुद्रा पाचन शक्ति को ठीक करती है किसी का डाइजेशन बिगड़ा हुआ है तो डाइजेशन अच्छा हो जाएगा इस मुद्रा के करने से पृथ्वी मुद्रा वास्तव में बहुत जबरदस्त मुद्रा है विटामिनों की कमी को दूर करेगी विटामिन बी ट्वेल्व डी थ्री आदि और भी विटा वाइटमिन हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिनों की कमियां होती है पोषक तत्व तो पूरे नहीं मिल पाते तो विटामिनों की कमी भी इस पृथ्वी मुद्रा से पूरी होगी क्योंकि पाचन तंत्र ठीक होगा एक एक चीज अच्छे ढंग से डाइजेस्ट एसिमुलेट होगी तो लगेगी शरीर को तो विटामिनों की पोषक तत्वों की कमी पूरी होगी जीवनी शक्ति का विकास करती है वाइटल फोर्स का विकास करती है इम्यूनिटी बढ़ाती है तो जीवनी शक्ति एक वाइटल फोर्स कहते हैं जीवन को धारण करने वाली शक्ति और एक होती है इम्यूनिटी जिसको हम रोग प्रतिकारक या रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं उसको भी बढ़ाती है यह मुद्रा यह पृथ्वी मुद्रा इतनी अच्छी इतनी लाभकारी है शरीर में स्फूर्ति लाती है जिन लोगों का ओज घट गया है जिन लोगों का तेज घट गया है कम उम्र में ही बूढ़े बुढ़ापे का आनंद ले रहे हैं जवान लोग बुढ़ापे का आनंद अगर कम उम्र में ले रहे हैं तो तेजस्विता आएगी कांति आएगी स्फूर्ति आएगी भीतर से फिर से नया उत्साह जगेगा इस पृथ्वी मुद्रा को प्रतिदिन करें और भस्त्री का प्राणायाम करते रहें। इसको करते करते आप कपाल भाती भी कर सकते हैं ऐसे लगातार इस पृथ्वी मुद्रा के आपको इतने सारे लाभ बताए अगली एक मुद्रा और जान लेते हैं जो लोग पेट की समस्याओं से परेशान है और ज्यादा वजन से भी परेशान है किसी भी कारण से वजन बढ़ा हुआ हो उन लोगों को सूर्य मुद्रा लगाना चाहिए इसी पृथ्वी तत्व वाली उंगली को आपको अंगूठे के मूल में लगाना है और ऐसे अंगूठों से दबा देना अंगूठे से दबा देना इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा जिनको तेजी से वजन घटाना हो वे लोग रोज इसका आधे से एक घंटा अभ्यास करें आपसे एक समय में नहीं हो पा रहा कई कई बार में करें तीन बार में चार बार में ऐसे करें इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं पेट की लगभग सभी रोगों को दूर करती है लेकिन इसमें सावधानी जरूर है जो लोग कमजोर हैं हाँ जो लोग पहले से जिनका वजन घटा हुआ है वे लोग इस सूर्य मुद्रा का अभ्यास बिल्कुल ना करें ये ध्यान रखने की बात है तो ज्यादा वजन वाले ज्यादा मोटे लोग ही इसका अभ्यास करें सूर्य मुद्रा इससे शरीर में हीट जनरेट होती है गर्मी बढ़ती है और गर्मी बढ़ करके वजन घटता है पाचन तंत्र सुधरता है तनाव में कमी आती है स्ट्रेस अगर है तो स्ट्रेस कम हो जाएगा और निद्रा की समस्याएं दूर होंगी तनाव घटेगा कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो घट जाएगी कोलेस्ट्रॉल किसी का बढ़ा हुआ है तो ये सूर्य मुद्रा करो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा इससे शरीर में शक्ति का संचार होता है शक्ति का संचार डायबिटीज वाले लिवर के जो परेशान लोग हैं वे मुद्रा का अभ्यास करें और जिनके लिवर में प्रॉब्लम रहती है पाचन तंत्र गड़बड़ाया रहता है जिनका गॉल ब्लडर निकला हुआ है अलग कोई के आदि के ऑपरेशन में तो वे लोग भी सूर्य मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करें लेकिन जो बहुत कमजोर है वे लोग इसका नहीं अभ्यास नहीं करना ये मुद्राएं हैं जो हमें अलग अलग मुद्राएं अलग अलग, अलग रोगों में स्वास्थ्य प्रदान करती हैं, तो ऐसी मुद्राएं प्रतिदिन हम करें और स्वस्थ रहे आज के इस कार्यक्रम में हमने तीन मुद्राएं बताई वायु मुद्रा पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा इनका नियमित रूप से अभ्यास करके आप अपने अलग अलग रोगों को स्वस्थ दूर करके और पूर्णतः स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं अच्छा जीवन सबके लिए सबका अधिकार है अच्छा स्वास्थ्य इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य को पाए योग व स्वास्थ्य के इस योग के कार्यक्रम को आप देखें जाने और बहुत कुछ आपके स्वास्थ्य के लिए हम आगे के कार्यक्रम में लाएंगे आज के कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं शांति 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 सर्वेभ्यो नमः